एपीडा जो कि भारत सरकार का उपक्रम है उसकी सहायता से सन 2004 में सहारनपुर में मैंगो पैक हाउस की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बोहाइड्रेट रहित एवं हाइजेनिक आम दुनिया भर के लिए तैयार करना है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का आम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ का नवाब आम दुनिया भर में अपनी धाक जमाने को तैयार है। नवाब आम को तैयार करने के लिए उत्पादकों के श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आम तोड़ते समय सबसे खास बात का ध्यान रखते हैं कि जनरली आम को दोपहर के समय तोड़ा जाए, क्योंकि जो उनका तापमान है वो थोड़ा कम रहता है दोपहर के टाइम। और तोड़ते टाइम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन्हें हम थोड़ा ऊपर से तोड़ें, क्योंकि जो इनका पल्प होता है वो हम जनरली मैंगो हाउस जो होता है वहाँ आके निकालते हैं। तो जब ये पल किसानों को इस बात का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो पेड़ से आम तोड़ें तो उसकी जो डंठल है वो 2 इंच ऊपर है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग मैंगो हाउस में होती है। उसके बाद उसको इस एरिया में रखा जाता है ताकि इसका जो टेम्परेचर है मैंगो हाउस के बराबर हो जाए। इस एरिया का नाम है होल्डिंग एरिया। यहाँ पे जो भी बाहर से आम आता है उसको थोड़ी देर यहाँ पे रखते हैं ताकि जो आम का टेम्परेचर है वो मैंगो हाउस के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। फिर उसके बाद इस आम की प्रोसेसिंग होती है मशीनों के द्वारा। होल्डिंग एरिया में रखने के बाद जब आम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, मतलब पैक हाउस के बराबर हो जाता है, तो आम को डिसैपिंग ट्रॉली में रखते हैं, जहाँ पे आम की डिसैपिंग होती है उसका जो सैप होता है वो निकाला जाता है। डिसैपिंग में जो भी सैप होता है वो आम सिर्फ गिर जाता है। चूँकि आप देख सकते हैं कैसे इसका सैप बाहर आ रहा है, क्योंकि जो सैप होता है आम में लगकर खराब हो जाता है। डिसैप करने हेतु आम को डिसैपिंग ट्रॉली पर लगभग 4 से 6 घंटे तक रखा जाता है। उसके बाद आम को कोल्ड वाटर लाइन एवं वॉशिंग हॉट वाटर ट्रीटमेंट ब्रशिंग एवं ग्रेडिंग हेतु डाल दिया जाता है। मैंगो पैक हाउस जो कि पूर्णतः वातानुकूलित है, उसमें मैंगो के प्रोसेसिंग के लिए फुली ऑटोमेटिक मशीनें इंस्टॉल की गई हैं और जापान द्वारा निर्मित वेयर हीट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है, जिसमें मैंगो प्रोसेसिंग, कोल्ड वाटर वॉशिंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो कि 50 डिग्री पर लगभग 2 से 4 मिनट तक रखा जाता है, ब्रशिंग द्वारा सफाई, एयर ड्रायर द्वारा ड्राई, आप देख सकते हैं ये आम हॉट एयर ड्रायर होने के बाद बाहर आ रहे हैं एवं वजन के अनुसार उनकी छटाई भी मशीनों के द्वारा ही की जाती है। मैंगो पैक हाउस की तकनीकी जानकारी देने के लिए मैंगो पैक हाउस के अध्यक्ष और मंडी परिषद सहारनपुर की डिप्टी डायरेक्टर श्री एन के मलिक जी हमारे साथ हैं। सर, इस प्लांट की क्या खास बात है और आम जब इस प्लांट में आता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो आम बाहर से आता है कि वो आम किस तरह का आया हुआ है। हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो पोस्ट हार्वेस्ट खेतों से आम होता है तो एक मैनेजमेंट है, उसमें जो आम को जो तोड़ा जाता है वो डंठल उसमें रहना चाहिए 2-3 सेंटीमीटर का, और यहाँ आने के बाद में उसको हम जो है डिसेपिंग जो हमारी जो है टेबल है उन पर रखा जाता है, वो वहाँ काट के ताकि उसका जितना पीप या सेप है वो सब निकल जाए और वो आम को जो है फिजिकली रूप से जो ख़राब ना करे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पैक हाउस में एक जो ग्रेडिंग लाइन बनी हुई है, ये ऑटोमेटिक यहाँ ग्रेडिंग लाइन है, ये कंप्यूटराइज है लाइन, और इस लाइन में आप देख रहे होंगे कि डिसेपिंग के बाद में जो है यहाँ ये कोल्ड वाटर यहाँ वॉशिंग होता है। पहले हमको जो है कोल्ड वाटर धोया जाता है, उसके बाद यहाँ इसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 2 मिनट तक रखा जाता है। फिर इसमें जो है यहाँ ये ब्रूसिंग, वैक्सिंग और पॉलिशिंग होता है, इसमें ब्रूस लगे हुए हैं। इसके बाद जो है आम ब्रूसिंग के बाद में जाता है हॉट एयर ड्रायर है, वो आम जो है सुखाने के लिए उसमें जाता है। उसके बाद में फिर हम अपनी जो है ग्रेडिंग लाइन पर आ जाते हैं। जो हमारी ग्रेडिंग लाइन है वो उसका जो है वो कंट्रोल होता है, और कंट्रोल के बाद में एक जो कंप्यूटर जो है लगा हुआ रहता है उससे वो कनेक्टेड रहती है कि ये पूरी कंप्यूटराइज है, और इसमें जो है कंप्यूटर के माध्यम से हम इसको जो है देख करते हैं। इसमें जो है डिफरेंट टाइप की एक हमारी एक चेन लगी है, जो चेन जो है इसकी ऑटोमेटिक है। उसके बाद में उसमें जो है प्लेट्स लगी हुई है, तो जो एक ग्रेड सिस्टम है विदेशों के लिए एक मानक है, उसका 250 से 300 तक उसका जो है ग्रेड सिस्टम है। हर जो 500 ग्राम पर जो है उसका वेट बना हुआ है, इस तरह 400 तक वेट की ट्रे लगी हुई है। उसमें ऑटोमेटिक जो है जिस वेट का आम होता है वो सॉर्टिंग और ग्रेडिंग अपने आप ऑटोमेटिक होता चला जाता है। उसके बाद ये सब जो है उसमें ट्रे में कलेक्ट हो जाता है। ग्रेड होने के बाद में, सॉर्टिंग और ग्रेड होने के बाद में ये आम के जो है
विभिन्न कंट्रियों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। हाँ, उसमें हमारे पास ये दो ट्रीटमेंट स्पेशल है। एक VHT प्लांट है, वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट है, हाँ, जो जापान के लिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए, हाँ, वहाँ का जो देश है वो उसको रिकमेंड करता है कि वो वहाँ वेपर हीट ट्रीटमेंट से ही आम को लेंगे। और वेपर हीट ट्रीटमेंट में जो मेन बात ये होती है कि उनका जो है उस देश का एक क्वारंटाइन इंस्पेक्टर आता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्पेक्टर होता है, और विशेष रूप से उसमें जो फ्रूट फ्लाई है उसको जो रोकथाम की जाती है। फिर अगर चाइना में हम आम भेजें तो चाइना के लिए एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। ये जो आप पैक हाउस का जो पूरा जो है सिस्टम देख रहे हैं, इसमें जो जो कंप्यूटर लगा हुआ है, इससे जब ग्रेडिंग सॉर्टिंग होता है, इसी के साथ जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, हाँ, इन कैमरों से सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा ये है कि आदमी कहीं बैठा हुआ अपने जो है लैपटॉप पर देश विदेश में देख सकता है कि हाँ वास्तव में ये प्रोसेसिंग हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, ऑटोमेटिक है या नहीं है। ये सब चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक जो है सिस्टम है जो अब की बार हमने इस पैक हाउस में लगाया। कम्युनिकेशन से हमें फ़ायदा हुआ है, काफ़ी एक्सपोर्ट का ऑर्डर हमको मिला है। हाँ, इसमें डिफरेंट कंट्री के लिए आप आगे चल के देखेंगे, ये यहाँ सॉर्टिंग ग्रेडिंग होने के बाद में आम आपके सामने ये जो रखा हुआ है पैक हाउस में, हाँ, अब जो है जिस कंट्री की जो डिमांड होती है उसके आधार पर जो दो तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आम जो है अगर चाइना को आप भेजना चाहते हैं तो चाइना में जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट सामने जो है लगा हुआ है, और उसमें ये आम जो है 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, हाँ, 1 से 2 घंटे के बीच में। हाँ, उसके बाद में वहाँ से जो पैकेजिंग हो जाता है और उनको जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है क्वारंटाइन इंस्पेक्टर है उसी से फाइटोसेंट्री एक सर्टिफिकेट जारी होता है, और वहाँ से जो है जितनी फ्रूट फ्लाई या एग या लार्वा है वो सब समाप्त हो जाते हैं इसमें। तो ये जो है चाइना के लिए हुआ, और बाकी हमारे इस पैक हाउस से आपके जापान, न्यूजीलैंड और जो है ऑस्ट्रेलिया भी आम जो है निर्यात किया जाता है, उसके लिए एक दूसरा प्लांट लगा हुआ है VHT प्लांट। ये जो ट्रीटमेंट है वेपर हीट ट्रीटमेंट इसका नाम दिया गया है, और ये एक मशीन है आपके सामने, और इसकी जो क्षमता है 5 मीट्रिक टन की है, और इसमें 14 जो है सेंसर लगे हुए हैं, 2 सेंसर ह्यूमिडिटी के हैं और बाकी 12 सेंसर जो है जो आम है उसमें जो है पेंट्रेट किए जाते हैं। ये मेरे पास एक आम है, जैसे इसमें जो है ये हम जो ये एक सेंसर में ले रहा हूँ, इस सेंसर को जो है इधर की तरफ से पेंट्रेट करते हैं, और जब तक इसको अंदर डालते हैं तब तक जो है ये अंदर के इसको बीज को टच ना कर जाए। और बीज को टच करने का मतलब ये होता है कि जब इसमें जो है पूरे पैलेट रखे जाते हैं और इसको चलाया जाता है तो जो हमारे यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 20 मिनट इसको स्थिर रखा जाता है। वैसे तो इसमें 4 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन हाँ इसमें जो वाष्प होते हैं, जो पानी के वेपर्स होते हैं, वो यहाँ इसके अंदर यहाँ जाकर और जो हमारा फ्रूट फ्लाई है उसके लार्वा है या एग है वो सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मेन पर्पज़ ये है कि विदेश में जो आम जाता है वो वहाँ फ्रूट फ्लाई नहीं होनी चाहिए, जो कीड़े होते हैं या जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो फ्री हो जाता है और ये हाइजेनिक हो जाता है। इसलिए ये वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट है, और इसमें जो है जापान आपका, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हाँ, इससे ट्रीटेड होकर ये जो है आम इनमें जाता है। और इसके दूसरी खास बात ये है कि हाँ इसको हाइजेनिक हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ, इसमें जापान का एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट आता है यहाँ पर, और एक हमारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो साइंटिस्ट आता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, और दोनों जो है मिलकर जो है एक इधर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा आपको, इसका जो एक मशीन है उससे इसका जो है स्टेटमेंट निकलता रहता है, एक ग्राफ निकलता रहता है, ये पता लगता रहता है कि कौन से उसमें जो है जो पैलेट्स में आम जो है 52 डिग्री टेम्परेचर पर 20 मिनट जो है आ चुका है, और उसका कोई किसी तरह का लार्वा या कोई पेस्ट या फ्रूट फ्लाई नहीं है। ये फुल्ली कंप्यूटराइज सिस्टम है मैडम। और दूसरा ये है कि जो विदेशों में है वो फ्रूट फ्लाई के लिए मांगा जाता है कि फ्रूट फ्लाई किसी भी तरह से जो है उसके एग लार्वा नहीं होने चाहिए, और वो उसके लिए जो है ये है, और फिर यहाँ से फाइटोसेंट्री एक सर्टिफिकेट होता है कि इसमें नहीं है, तो इसका वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद आम जो है आगे की जो प्रोसीजर अपनाते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये यहाँ एक पैलेट है, और हाँ इस पैलेट को जो है अभी हम जो है अंदर करते हैं। अभी आप ये देख रहे थे कि ये सब पैलेट अंदर चला गया है, ये इसमें सेंसर लगे हुए हैं, ये हर सेंसर लगा हुआ है, तो सेंसर इसके यहाँ एक ट्रेमर ऊपर जैसे सेंसर इसमें पेंटेट किया जाता है, और पेंटेट करने के बाद में उसको जो छोड़ दिया जाता है, तो ये जो है आपका इनलेट है, अंदर जाएगा, फिर इसका पूरा प्रोसीजर जो है उधर जो है इसका जो एक ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर इसका जो है ग्राफिंग, ये डोर इसे बंद हो जाएगा। हाँ पैक हो गया है, और पैक होने के बाद में इसके अंदर जो प्रोसीजर है अब उधर जो है जो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मशीन है उसमें जो है आपको जो है मैं दिखाता हूँ। ये आपका जो है VHT क्षेत्र है, हाँ आइए हम इसमें आपको ले चलते हैं, क्वारंटाइन एरिया है।
अब इसमें ये मशीन से प्रिंट आउट कैसे निकलते हैं, उस आम में यहाँ अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है वो मैं हाँ अंदर आपको जो बताता हूँ। ये यहाँ क्वार्टाइन एरिया में आप प्रवेश कर गए हैं और जहाँ जो है इस मशीन का जो रिजल्ट आता है कि अंदर जो है आपका आम में जो किस तरह रिजल्ट है और ये आपकी जो अंदर मैं ले चलता हूँ आपको। हाँ ये हाँ सब आपके यहाँ जो मशीन ये हाँ सब ये लगी हुई है और अंदर हाँ किस पैनल पर क्या हो रहा है, कितना टेम्परेचर ले रहा है, उसका जो है जो फ्रूट फ्लाई है उसका लार्वा डिस्ट्रॉय हो गया है नहीं हो गया, कोई भी फ्रूट फ्लाई नहीं है, तो ये सब जो है आपको पेपर से ऑटोमेटिक जो प्रिंट आउट निकलता है और इसमें पता लगता है कि कितने टेम्परेचर पर, जब इसका टेम्परेचर सभी पैलेट्स का 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है और उसको 20 मिनट तक हम स्थिर रखते हैं। 20 मिनट तक स्थिर रखने के बाद में फिर उसका प्रोसेस पूरा हो जाता है और फिर हम उसको जो है बाद में ये प्रिंट आउट निकाल कर जो भी यहाँ बाहर से साइंटिस्ट आए हुए हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हुए हैं तो उस पर जो है जॉइंट सिग्नेचर करके और तब वो हाइजीनिक कंडीशन में होता है और बाहर फिर उसको लेकर हम बाहर उसको पैकेजिंग उसकी करते हैं। अभी जो है आपने देखा होगा VST कंट्रोल पैनल और हाँ इसके बाद जो है हम एक प्रिंट निकाल कर दिखाते हैं अभी मशीन से। हाँ ये हाँ जैसे ही इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है VST प्लांट का तो ये यहाँ पैलेट्स जो है यहाँ इधर निकाल लिए जाते हैं, निकालने के बाद में जो ये क्वार्टाइन एरिया है तो इसमें जो है आम यहाँ रख लिया जाता है और रखने के बाद में यहाँ जो नॉर्म्स है उनके आधार पर हाँ पैकिंग यहाँ कर दिया जाता है और पैकिंग करने के बाद में यहाँ ये जो हाँ प्रिंट आउट अभी निकाला था तो जॉइंट सिग्नेचर इस पर हो जाते हैं और हाँ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ के और एक जो है बाहर के विदेश से जो आता है क्वार्टाइन इंस्पेक्टर, उसके बाद में ये रेडी हो जाता है और ये फाइटोसेंट्री यहाँ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है इसके लिए। देखो हाँ पहली बात तो यह है कि हाँ ये आम जो है पूर्ण रूप से हाइजीनिक होता है और ये जो VST प्लांट लगा हुआ है ये पूरी इंडिया में जो ये हमारे यहाँ लगा हुआ है और यहाँ हमारे यहाँ ही ये जो है सफल है। अच्छा दूसरे हम जो है एक अनुदान देते हैं जो 13 रुपये से दो तरह का अनुदान देते हैं, एक हम जो है भाड़े का अनुदान देते हैं परिवहन पर देते हैं हाँ जो 13 रुपये से जो 16 रुपये पर केजी और दूसरा अनुदान देते हैं हम ब्रांड प्रमोशन पर और एक ब्रांड नाम हमने याद किया है अपना जो है मैंगो पैक हाउस का, तो उससे जो बाहर वाले जो है आकर्षित होते हैं जो हम अनुदान देते हैं 26 रुपये से 32 रुपये तक का। अच्छा दूसरा जो है जो यहाँ वाले लोग हैं यहाँ वाले लोग क्यों इसको जो प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये जो कार्बाइड से जनरली लोग पकाते हैं तो हम इसको जो है किसी दवाई से नहीं पकाते हैं बल्कि एक निश्चित टेम्परेचर पर हाँ रखकर हम जो है इसको जो है पका रहे हैं और हाँ वो भी वेपर हीट ट्रीटमेंट के देते हैं इसको, तो इसमें यहाँ किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं होता और ये आम जो है पूरा जो है हाइजीनिक होता है तो इसलिए जो है इसको यहाँ भी प्रीफर करते हैं और इसको खाने से जो है किसी तरह का कोई नुकसान या वो नहीं होता, इसलिए हम सभी से आह्वान करते हैं। अब आप अपने जी और सहारनपुर आइए और नवाब आम यहाँ का नवाब आम खाइए।